फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, जैसा मैंने आपसे बोला था कि क्वालिटी वाला कंटेंट लेके आएंगे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ ही लेके आ रहे हैं। अभी हमारे पास आई है स्कॉर्पियो एन, जो कि ये जेड सिक्स है। इसको हमने पूरा टोटली जेड एट में कन्वर्ट किया है, तो डिटेल वाइज से बताएंगे क्या क्या इसमें कन्वर्ट करी हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर से स्टार्ट करेंगे हम, किसमें क्या क्या चीज़ें करी हैं। ये हमने महिंद्रा के ओरिजिनल फोग लैम्प कवर डाले हैं भाई। यहाँ पे आपको देखने का फिट एंड फिनिश क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रोम फिनिश आता है, बाकी ये वाला मैट फिनिश में आएगा ग्रेन वाला। तो यहाँ पे पूरा हमने टोटली कन्वर्ट किया हुआ है पियानो ब्लैक के साथ में, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई, इसमें हमने टॉप मॉडल वाली हेडलाइट इंस्टॉल करी है, कपलर टू कपलर, कहीं से वायर वगैरह कुछ नहीं कट किया हुआ है। ये हो गया भाई फ्रंट का सेटअप। बाकी आपको जैसे पता है, फ्रंट मेरा मेन पर्पज़ यही होता है, इंटीरियर पर फोकस करते हैं। तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें करें, अल्टीमेट चीज़ें करें इंटीरियर में, वो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे आपको जैसा देखने को मिलेगा, ये जेड सिक्स है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सिल्वर फिनिश आता है। पावर विंडो में आपका पियानो फिनिश नहीं आता है, तो यहाँ पे हमने पियानो ब्लैक का थीम दिया हुआ है। डोर हमने स्ट्रैप किया हुआ है एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ में। थ्रेड यहाँ पे हमने देख सकते हो, सिमिलर इसमें जो आता है फैक्ट्री अपना कंपनी टाइप का, वही वाला हमने थ्रेड यूज़ किया हुआ डबल स्टिचिंग के साथ में। यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन आपके पास, और इसमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, बाकी चाहे तो इस वाले पूरे में भी फैब्रिक लगवा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ डिटेलिंग जैसे यहाँ करी, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देख रहे हैं ग्रेन वाला, तो यहाँ पे हमने सिल्वर दिया है। बाकी जो कंपनी जेड एट में आता है वो क्रोम फिनिश आता है, बट ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। यहाँ पे सिल्वर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको भाई यहाँ पे फ्रंट पे आपको देखने मिलेगा सुपर लग्जूरियस टाइप का जो डैशबोर्ड आता है, इसमें रैप होके आता है। बाकी जो जेड सिक्स में है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिखेगा, बट हमने इसको जेड एट में कन्वर्ट किया, तो सिमिलरिटी सारी चीज़ें हमने कोशिश करी हैं। बाकी वहाँ अंदर पियानो ब्लैक आता वो नहीं करवाया था। यहाँ पे जो बीच जैसे इवेंट देखो, ऊपर तो सिल्वर आता है ऑलरेडी, ये पूरा हमने रैप किया। यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिटिंग वाइज भी चेकआउट करवा देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखा। साइड में भी मैंने रैप किया हुआ है, यहाँ पे रैप हुआ। स्टीयरिंग भाई देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग डुअल टोन में साथ में देखने को, ऊपर वाले साइड में ये मिल जाएगा कस्टमाइज स्टीयरिंग हमारी। यहाँ पे ऊपर वाले साइड में आपको टैन और नीचे आपको ब्लैक फुल देखने को मिल जाएगा। तो स्टिचिंग वगैरह मैं चेकआउट करवाता हूँ भाई, ये रहा। यहाँ पे भाई गियर कंसोल की बात करें, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक देखने को मिल जाएगा पूरा, ये हमने कवर किया पियानो ब्लैक के साथ में पूरा ये कंसोल होता है। बाकी प्राइसिंग का डिस्कस कर लेंगे, उसमें आपको मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, और एक चीज़ जो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको पिलर। तो भाई नेक्स्ट चीज़ जो हमने करी, इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक किया हुआ है, जैसे आपको देखने को मिलेगा टॉप में आपको यहाँ पे आइस ग्रे ही रूफ देखने को मिलेगी, बट इसको हमने पूरा फुल ब्लैक किया हुआ, पिलर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये पिलर आइस ग्रे में आते हैं, इनको हमने ब्लैक में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो सनसेट वगैरह है, ये अपने आपको एयरबैग की यहाँ पे जो सिंबल मिलेगा वो मिल जाएगा, सारा हमने ब्लैक किया विद लेदर कोट के साथ में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ सनसेट का जो सन ग्लास होल्डर है यहाँ पे, ये आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने रैप कर दिया फिल्म से, थोड़ा डार्क थीम लाने की वजह से ये कर दिया। बाकी ये रूफ हमने रैप करी पूरी, यहाँ पे आपको लुक चेकआउट करवाता हूँ, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा साइड से साइड तक। बात करते हैं सीटों की, तो सीटों पे भी जितना टॉप इन वेरिएंट वाला ही पैटर्न रखा हुआ है। यहाँ पे आपको देखना लाइट कलर का स्टिचिंग हमने डुअल सारा ये डुअल से हाईलाइट किया हुआ है, ये भी डुअल से हाईलाइट किया हुआ है, साइड में भी डुअल से हाईलाइट किया हुआ। फैब्रिक की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल आर्ट इधर हमने यूज़ किया हुआ है। फिटिंग वाइज आपको दिखाता हूँ, कहीं से ये नहीं कि रिंकल वगैरह आएगा, सारा कुछ यहाँ पे हमने OEM वाला अटैच करते हैं। बाकी जो आपका बीडिंग वगैरह लगती है सारा OEM ही अटैच होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको मैं फेस फिनिशिंग चेकआउट करवा रहा हूँ, और इस साइड से रूफ भी मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। ये रूफ यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आर्मरेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये पूरा हमने कवर किया है रैप में। इस साइड की भी फिटिंग चेकआउट करवाता हूँ आपको, तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है साइड में यहाँ पे लग्जूरियस लाने के लिए। यहाँ पे भी रैप कर दिया हमने, इस साइड पे भी रैप कर दिया है। तो आप अगर डोर पे यहाँ से आप अगर एंटर करोगे, इस साइड से आप अगर एंटर करोगे, तो आपको जस्ट रियलाइज़ नहीं होगा कि ये Z8 मॉडल नहीं है। थोड़ी चीज़ें अगर कस्टमाइज नहीं करके सिंपल थीम रखते तो आप गेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने अल्टीमेटली मॉडिफिकेशन करी है, बाकी आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना कैसा वर्क हुआ है। यहाँ पर आपको सारा मैंने एक चीज डिटेल में बताया, बाकी रियर सीट में भी दिखा। तो भैया रियर सीट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा A to Z आपको यहाँ पे फिनिशिंग वाइज में चेकआउट करवाता हूँ। ये नहीं कहीं से रिंकल वगैरह आए भाई, फॉर्म जैसे बताया आपको 28mm हाई डेंसिटी के साथ में 14 इंच की फॉर्म आती है, वो हम यूज़ करते हैं। फिटिंग वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट की फिटिंग चेकआउट करवाता हूँ भाई, कहीं ये नहीं कैसा कहीं रिंकल वगैरह देखने को मिले, ये प्रॉपर तरीके से फिटिंग की गई है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर सीट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैक पूरा हमने यूज़ किया हुआ, चीन ओरिजिनल कारपेट भी जो है इसके ओरिजिनल यूज़ किया। लाइक ये कस्टमाइज सीटें होती हैं, तो ऐसा ही आपको लुक देखने को मिलेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नीट एंड क्लीन जैसे हमने बताया था।
पीछे आपको पिलर भी देखने को मिल जाएंगे, फुल हमने ब्लैक में किया है। रूफ आप चाहे तो पूरी रूफ प्रूफ करवा सकते हो, यहाँ पे रूफ का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरे जो शीशे थे हमने डार्क में कर दिए हैं। भाई अगर इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए लोगों को शेयर करते रहें ताकि लोगों को अच्छा क्वालिटी वर्क देखने को मिले। थैंक यू।